ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के गौरव को, ओडिशा को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। इसी महीने ओडिशा में आप सभी ने बाली यात्रा का भव्य आयोजन किया, सफल आयोजन किया है। और अभी मैं यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूं, और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहां के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा, हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है, 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो 2 दिन यहां बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। अभी तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, अभी 4 दिन के बाद 4 दिसंबर को यहां पर नौसेना दिवस का अवसर इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। यह भी अपना अपना बहुत बड़ा अवसर होता है, वो भी पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है, और फिर एक महीने के भीतर भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है, विश्व भर के लोग आने वाले हैं, दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं, और ये लोग जब वापस जाएंगे ना तो उड़ीसा की इतनी कथाएं दुनिया भर तक पहुंच जाएगी, उड़ीसा का भरपूर प्रचार प्रसार होगा और यहां पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। हम उड़ीसा को देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर प्राथमिकता दिलाना चाहते हैं। इस तरह के आयोजन उड़ीसा को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आप अभी से प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां भी जरूर करें, और G20 से भी शानदार होना चाहिए। एक ऐसा अवसर है जिसमें हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है। हमारा उड़ीसा स्वच्छ हो, सुंदर हो, हमारे पास एक आध महीना है, शानदार कर सकते हैं, सफाई का बड़ा अभियान चला सकते हैं, यहां की संस्कृति से लोग परिचित हो, इसके जन भागीदारी से करना है। उड़ीसा के हर नागरिक को लगना चाहिए दुनिया के मेहमान मेरे घर आ रहे हैं, ये भाव आना चाहिए। हम और आप मिलकर के उड़ीसा के गौरव को बढ़ाएंगे। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद
यहां हर सेक्टर में विकास ने नई गति पकड़ ली है। ओडिशा में एक साथ हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर वर्ग को मिलना शुरू हुआ है। खेल हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में ओडिशा ने जो रफ्तार पकड़ी है वह अभूतपूर्व है। ओडिशा के शहरों में आधुनिक सुविधाएं, नई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है और राज्य की भाजपा सरकार यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रही है। नौजवानों का भविष्य, उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हो रहा है। राज्य की धरोहर को समृद्ध बनाने का अभियान भी तेज गति से चलाया जा रहा है। मिशन पूर्वोदय से भी उड़ीसा का विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तभी यहां की खनिज संपदा, यहां के समुद्री तट औद्योगिक अवसरों में बदलेंगे। साथियों, नए उद्योग प्रदेश में आए इसके लिए सरकार द्वारा सही नीतियां और सही नियत की भी जरूरत होती है और जो आज देश और दुनिया के लोग अनुभव कर रहे हैं भाजपा की सरकार बनने का कारण। और ये काम उत्कर्ष उत्कल अभियान के जरिए हो रहा है। उड़ीसा को नए निवेश के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां नए उद्योग लगेंगे, नए अवसर बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा बड़े बड़े अवसरों के लिए तैयार हो, उनके सामर्थ्य का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए भाजपा की सरकार आते ही हमने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया। ओडिशा में स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना और हायर एजुकेशन के लिए पीएम उषा योजना को भी लागू किया। भाइयों, है ना, एक और हम भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर उड़ीसा को जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उड़ीसा के लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई, गरीब के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास और पूरी ताकत से तेज किए गए। साथ ही उड़ीसा के लोग हमारी सरकार आने के बाद एक और बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा को पहली बार गांवों में पता चलता है कि मुख्यमंत्री गांव में भी कभी आते हैं। जनता से जुड़ना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, यही भाजपा की परंपरा है, भाजपा की संस्कृति। साथियों, बीजेपी की सरकारें इतनी सफल इसलिए होती है क्योंकि हमने इस देश की आधा आबादी महिलाएं, उनके विकास पर भी उतना ही तवज्जो दिया है, उतना ही महत्व दिया है। ओडिशा में भी हमारी सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। माता सुभद्रा का आशीर्वाद लेकर हमने सुभद्रा योजना शुरू की। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। जब हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि बीजेपी के प्रयासों से ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे पूरे देश के आदिवासी समाज का गौरव बढ़ा है। मुर्मू जी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हर वर्ग की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक आदिवासी बेटी की यात्रा आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगी। साथ ही ओडिशा में जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ओडिशा के 13 आदिवासी समुदायों को पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए उनके घर के पास ही स्कूल की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बन खोले गए। साथियों, चुनाव के समय मोदी ने आपको कहा था कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा।
आज उड़ीसा में हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब उड़ीसा में धान की खरीदारी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने बरगढ़ जिले से बढ़ी हुई दर से धान खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह हम अपनी हर गारंटी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, हम हमारे संकल्पों को पूरा करेंगे, विकसित उड़ीसा के लिए काम करेंगे और मैं आपका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। जो सपने लेकर के हम चले हैं उसके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे रखेंगे। आप सब यहां आए इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल तो मैं एक आज सरकारी मीटिंग के लिए आया हूं, लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी वगैरह ने तय किया रहने हम तो चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिल गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।